जो हर हाल में खुश रहे उसे भक्त समझना, और जो हर हाल में खुश ना रहे शिकायत करता रहे वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं। भक्त का लक्षण है वो हर हाल में खुश रहेगा, भगवान की मर्जी समझ कर के प्रसन्न रहेगा। साधु संतों को देखो ना मैया, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जिनके पास कोई साधन नहीं है, ना बिजली है, सूर्य अस्त होते ही उनके पास लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, बिछाने को अच्छा सा गद्दा नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, खाने को बढ़िया सी रोटियां नहीं है, लेकिन कुछ ना होने पर भी वो इतने प्रसन्न हैं कि करोड़पति भी इतना खुश नहीं होगा जितना वो फुटपाथ पर संत रहकर, सरयू के तट पर, यमुना के तट पर रहकर जो संत प्रसन्न है, वो संतों की प्रसन्नता करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होती। क्योंकि संत भगवान के भरोसे है, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, मेरे तो भगवान ही हैं बस। जो बिना शिकायत के ईश्वर की हर इच्छा को मंजूर कर ले वो भक्त है, और यही भक्ति के लक्षण है। और जिसे बहुत सारा चाहिए, नहीं नहीं हमें ये नहीं, ये वाला गद्दा ये नहीं, ये वाला ये नहीं, ये हमें ये सब बढ़िया चाहिए, ये तो देखो ऐशो आराम की जिंदगी है ना। भगवान की भक्ति के लिए ये सब नहीं होता। जिनके हृदय में भगवान है उनके हृदय में फिर सम्मान का स्थान खत्म हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रतिष्ठा को विष्ठा मानना चाहिए, प्रतिष्ठा सम्मान को जहर मानना चाहिए। इसलिए भक्त इन सब चीजों से दूर रहता है। कोई गाली दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई आरती उतारे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये लक्षण भक्त के हैं।